नमस्कार, कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज हम एक बहुत ही बिल्कुल बेसिक बातें लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के बहुत संपर्क रखता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन अगर बना रहेगा तो शायद आपको ये पता भी ना चल पाए कि आपने कौन से ईयर का रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, और आप यकीन मानिए आप 5 से 8 मिनट लगाएंगे तो शायद आपका सारा का सारा जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में जो कन्फ्यूजन बना रहता है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि कैसे इसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। चलिए, हेलो एवरीवन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन बना रहता है इसके रिगार्डिंग में, ईयर के रिगार्डिंग में, तो ईयर भी बहुत सारे तरीके के ईयर होते हैं। आपने सुना होगा, कभी सुना होगा, कैलेंडर ईयर भी होता है, एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है, उसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर भी होता है, एक असेसमेंट ईयर भी होता है। तो इन सारे कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने का, समझने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरत है बिकॉज आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके टॉप कॉर्नर पे आपको असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने जिस साल का भी आप रिटर्न फाइल करोगे, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, और जो करंट में आप फाइल करोगे 21-22, तो क्या ये किस ईयर को बिलोंग करता है? बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न पे वो असेसमेंट ईयर ही प्रिंट रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश किया जाता है कि क्या होता है मतलब असेसमेंट ईयर का। इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम साल को समझते हैं। तो साल हम सब लोग जानते हैं कि साल 365 दिन या 12 महीने के अवधि को साल कहा जाता है। अब साल को भी हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करके देखें तो एक साल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जो नॉर्मली हम सब लोग अपने घरों में कैलेंडर को दीवारों पे लटकाते हैं, टांगते हैं या उसको रखते हैं, राइट? तो वो होता है कैलेंडर ईयर। तो वो क्या होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को जो ख़त्म हो जाएगा ना एक साल, वो होता है आपका कैलेंडर ईयर। जैसे कि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर भी मनाते हैं तो इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही मनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? लेकिन अब बात करते हैं, इनकम टैक्स वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर ईयर का रेलेवेंस इनकम टैक्स और जीएसटी में नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा है? अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने वाले हैं तो आपके लिए जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी आपका एक साल का ही अवधि होता है, जिसको हम लोग हिंदी में वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। कमाल की बात यह है कि ये जो साल शुरू होता है ना वो होता है अप्रैल से। अब ये अलग तरीके का साल है, तो इसीलिए लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा साल जो अप्रैल से शुरू होगा ये कैसा साल है, राइट? तो फिर भी अब होता है तो होता है। चलिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो अवधि चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट? तो इनकम टैक्स वालों को जो है ना, और जीएसटी वाले को केवल केवल मतलब है फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि कैलेंडर ईयर को वो फाड़ के फेंक देते हैं, उसके लिए उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। इनको क्या चाहिए, केवल आपको जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो बिलोंग करते हो फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर का मतलब भी हमने देख लिया क्या, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, राइट? चलिए, तो हमने अभी ये समझा कि हमारे को इनकम टैक्स में केवल मतलब है फाइनेंशियल ईयर से। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। जब इनकम टैक्स वाले को केवल फाइनेंशियल ईयर से मतलब है, अब इससे भी इनका काम नहीं चलता, ये भी और कन्फ्यूजन करके रखते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक खत्म हो रहा है, उसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, कैलेंडर ईयर को अभी इग्नोर कर देते हैं, राइट? चलिए, अब इसमें भी ये फाइनेंशियल ईयर भी दो पार्ट में या दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक को ये लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे वो होगा फाइनेंशियल ईयर ही, राइट? वो फाइनेंशियल ईयर का ही पार्ट होगा, कैलेंडर ईयर का पार्ट नहीं होगा, राइट? तो प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये लोग ये समझते हैं या ये मानते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में
आपने इनकम को कमाया है। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी कि एक एग्जांपल लेके चले हम, अपना एक पीरियड उठाते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, एक साल हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर 2021, राइट। ये फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाएगा इसको, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलेंगे हम 2021, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी बोलेंगे 2021, राइट। दूसरा स्ट्रीम जो है वो है असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट, इसको शॉर्ट में AY या इसको कर निर्धारण वर्ष भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये होता है जिसमें आप रिटर्न फाइल करते हो। इसके पीछे कारण भी है यही कि अगर लेट सपोज दैट, अगर हम मान के चले अगर हम अपना इनकम जो भी कमाते हैं 31 मार्च को हमने इनकम को कमाया, तो ऑब्वियसली बात है 31 मार्च की रात को 12 बजे खत्म होने के बाद ही इनकम को हम फाइल कर पाएंगे रिटर्न को। तो जब हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इसलिए फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल, वित्तीय वर्ष जिसमें आपने रिटर्न भरा है, ये भी फाइनेंशियल ईयर ही है, लेकिन ये उससे बिलोंग करता है जो कि आपके पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स को नोट करता हो, राइट। एग्जांपल लेके चलते हैं, अपना 1/4/21 से शुरू होगा और मार्च 22 में खत्म होगा, इसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर 21/22। ये फाइनेंशियल ईयर भी इसको 21/22 बोल सकते हैं, लेकिन ये किससे रिलेशन में है? अगर आप प्रीवियस ईयर 20/21 की बात करो, यानी कि आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के इनकम की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपको जो असेसमेंट ईयर कहलाएगा वो 21/22 कहलाएगा, और यही आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे प्रिंट होके। थोड़ा सा और आसान भी समझते हैं कि आपका तीन कॉलम है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर 19/20 की बात करें, तो ये 19/20 फाइनेंशियल ईयर का प्रीवियस ईयर भी क्या होगा? 19/20 ही होगा। और इसी फाइनेंशियल ईयर को अगर इसका हम असेसमेंट ईयर की बात करें, तो इसका असेसमेंट ईयर 20/21 हो जाएगा, राइट। फिर एक अगला साल का भी देखते हैं, अगर 20/21 की बात करें तो उसका प्रीवियस ईयर आपका कहलाएगा 20/21 और उसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 21/22। यानी कि आप शॉर्टकट में ये कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के अगले वाले साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और भी जो कंफ्यूजन है उसको भी हम थोड़ा सा और आसान तरीके से दूर करने का कोशिश करते हैं। लेट सपोज दैट आपका एक ईयर है 18-19 का ईयर है, तो मान लेते हैं ये कब से स्टार्ट होगा, 1/4/18 से 31/3 तक, राइट। तो अब अगर इसको हम मानते हैं आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? ये होगा, राइट। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब फिर ये असेसमेंट ईयर होगा, फिर अगले साल 19/20 भी तो जाके प्रीवियस ईयर होगा, राइट। तो ये कब से स्टार्ट होगा, 1/4/19 से 31/3, फिर इसका असेसमेंट ईयर कौन होगा? इसका असेसमेंट ईयर ये होगा 20/21। ये सर्कल जो है ऐसा ही आपको चलते रहेगा, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि जो असेसमेंट ईयर आज है वो आगे चल के वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हर असेसमेंट ईयर के पिछले वाले साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के अगले वाले साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ऐसा कहने से एक बात याद आता है कि सास भी कभी बहू थी, तो जो बहू है वो तो आगे चल के सास भी बनेगी, यानी कि जो आपका असेसमेंट ईयर आज असेसमेंट ईयर है वो आगे चल के प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और फिर वो कैरी ऑन करते रहेगा, ये सर्कल आपका चलते रहेगा, क्योंकि लाइफ इनफाइनाइट है, ये सिलसिला जारी रहेगा। बस हमको आपको समझने और देखने का कोशिश ये करना है कि हमारे पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होके आते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल होके आया और उस पर 21/22 प्रिंट हो रखा है, तो आप इसका मतलब क्या निकालोगे? तो आप 21/22 यानी कि ये कह रहा है असेसमेंट ईयर 21/22, यानी कि ये बात कर रहा है 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के ट्रांजेक्शन को, राइट। अब हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वो बात होगी कि इस ही फाइनेंशियल ईयर में हमने रिटर्न को फाइल किया है। अब थोड़ा सा फाइल तो कर लिया, क्या ऐसा संभव है, जैसे आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, लेट सपोज दैट आपको 6 जुलाई 2021 में, तो क्या ऐसा संभव है कि
6 जुलाई 2021 को आपको मार्च 22 का रिटर्न फाइल कर दिया जाए? ऑब्वियसली नॉट। यानी कि सीधी सी बात है, ये जो असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न पे आपके प्रिंट होके आते हैं, ये पिछले साल को बिलोंग करते हैं, पिछले साल से संपर्क रहते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको उल्टा अगर करके देखें तो हमारे पास जो ये असेसमेंट ईयर आया, जो ITR पे प्रिंटेड है, ये किसको जाता है? ये उल्टा डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। यानी कि ये प्रीवियस ईयर 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का आपने जो काम किया, इनकम किया, उसका जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे 21-22 यानी कि एक साल आगे का लिखा हुआ प्रिंट होके आएगा। कारण मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ है। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की कमाई गई आय का ही विवरणी दाखिल किया है, जो कि लिखा हुआ एक साल आगे आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक इससे जस्ट पीछे का साल का भी ऐसे ही सेम टू सेम लेते हैं कि अगर आप 2021 वाला रिटर्न उठा के देखोगे तो ये मत समझना कि 21 मार्च का फाइल हो गया, ये फिर से वही बात है। इसके बारे में बात कर रहा है, ये असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा है। यानी कि ये इनकम टैक्स रिटर्न पे तो प्रिंट आया, लेकिन ये बिलोंग किससे करेगा? सिंपल सा बात है, ये बिलोंग करेगा 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक का। तो ऐसे ही कारवा, ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। यानी कि अगर समराइज फॉर्म में बात करें तो आपको सिंपल आपके पास इनकम टैक्स जो रिटर्न है अवेलेबल, उसमें दोनों में से एक एक डिजिट को घटा देना। यानी कि जैसे आपको असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 2021, तो आप इसमें से एक माइनस करना और इसमें से भी एक माइनस करना, यानी कि ये हो जाएगा 2019-20। तो आप ये समझना कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी कि 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के ही आमदनी का अभी आपका रिटर्न गया है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को डिस्कस करने का। तो कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब इतना आपने टाइम लगा के देख ही लिया है, एक काम और कर दीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट को भी आप कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलेंगे कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ। ये इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत।